जनपद संभल की चंदौसी में पुलिस अधीक्षक ने जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के बाद 3 चौकियों का शिलान्यास किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के कार्यालय में जनपद के लगभग सभी थानों और चौकियों का कायाकल्प हुआ। आज इस कड़ी में जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने चंदौसी कोतवाली में जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के बाद 3 चौकियों संभल गेट, कैथल गेट और मुरादाबाद गेट का शिलान्यास किया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जन सहयोग और पुलिस प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था के तहत जनपद के सभी थानों और चौकियों के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी के तहत चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में आज 3 चौकियों का शिलान्यास किया गया है। सर, आज आपने चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की 3 चौकियों का शिलान्यास किया है, क्या कहना है? हमारे यहाँ चंदौसी और सभी थानों का रिनोवेशन कार्य चल रहा है। इसको जन सहयोग से और शासकीय जो हमारे वित्तीय व्यवस्था है उसके अनुसार सभी का रिनोवेशन किया गया है, जिनमें मुरादाबाद गेट, कैथल गेट और चंदौसी गेट, इन सभी का चौकियों का भी रिनोवेशन किया गया है। इसको बढ़िया से बनाया गया है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं बैरेज में रहें तो वहाँ से कोई भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्ड कर सके, क्योंकि जब तक चौकी में रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है, पूरा चौकी का स्टाफ वहाँ पर रहता नहीं है, तो किसी आकस्मिकता की स्थिति में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। थाने से आना है या दूर से आना है तो तात्कालिक जो व्यवस्था है उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए चौकियों को रिनोवेट कराया गया है, बढ़िया से उसको रहने योग्य बनाया गया, जिससे हमारे कॉन्स्टेबल बढ़िया एक कार्य का वातावरण बने और वहाँ पर अच्छी सर्विस जनता को दे सके। सर, अब जो पुलिसकर्मियों को सुविधाएं मिली है चौकी में रहने के लिए, उसके बाद पुलिसकर्मियों को कैसा खुशी मिल रहा है? अब ये तो आप पुलिसकर्मियों से पूछिए, उन्हें रहने की व्यवस्था अच्छी तरीके से दी जा रही है। अब उनका रिस्पॉन्ड कैसा है पब्लिक में तो पब्लिक बताएगी और ये हमारे पुलिसकर्मी बताएंगे कि उन्होंने कितना इसमें बढ़ करके अपना योगदान दिया जनता के प्रति, और जनता बताएगी कि हमारा पुलिसकर्मियों से कैसा व्यवहार है।